हेलो दोस्तों, मेरे चैनल जस्ट जयश्री पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। सिंपल होममेड रेसिपीज के लिए मेरे चैनल को जरूर लाइक और सब्सक्राइब करें। होप आप सबने दिवाली बहुत एंजॉय किया होगा, तो उसी एंजॉयमेंट को दुगना करते हैं और कल भाई दूज के अवसर पर घर पर ही मिठाई बनाते हैं, जो बहुत ही सिंपल और स्वादिष्ट मिठाई होने वाली है, और वो भी सिर्फ दो चीजों से और बस 5 मिनट में बन जाएगी। तो चलिए इस स्वादिष्ट मलाई लड्डू मिठाई की रेसिपी शुरू करते हैं। यहाँ पे मैंने 100 ग्राम या आधा कप के करीब फ्रेश पनीर लिया है। इसे मैंने घर पर ही बनाया है। घर पर पनीर बनाना बहुत ही आसान है। दूध को बॉईल करके उसमें नींबू या फिर प्लेन विनेगर डाल दें, उससे दूध फट जाएगा और फिर उससे सारा पानी ड्रेन कर लें। इससे हमारा फ्रेश पनीर बन जाता है। पनीर को प्लेट में निकाल के उसे अच्छे से हाथों से मैश कर देंगे। पूरा इतना उसे मैश करना है कि उसमें से एकदम घी ना निकलने लगे और थोड़ा क्रीमी जैसा टेक्सचर हो जाए उसका, या फिर आप उसे ग्राइंड भी कर सकते हैं मिक्सी में। पनीर को मैंने अच्छे से मैश कर लिया है। अब एक पैन ले लेंगे और उसमें मैश किए हुए पनीर को डाल देंगे। ये मिठाई बहुत आसान और झटपट बन जाती है। आप जब चाहे इसे बना सकते हैं। अगर आपके यहाँ गेस्ट्स आ रहे हैं और कुछ समझ ना आए तो इसे तुरंत बनाकर भी दे सकते हैं। ये मिठाई बहुत ही टेस्टी बनती है। अब इसमें 1/4 कप कंडेंस्ड मिल्क डाल देंगे और उसे अच्छे से इसमें मिला लेंगे। इस मिठाई में ना ही घी लगेगा और ना ही ऑयल। बस हमें पनीर चाहिए और कंडेंस्ड मिल्क। बस दो चीजों से ये मिठाई बहुत ही टेस्टी बन जाती है। 2 से 3 मिनट मिलाने के बाद अब इसमें 2 टेबलस्पून के करीब मिल्क पाउडर डाल देंगे। ये ऑप्शनल है, आप चाहें तो इसे स्किप भी कर सकते हैं, पर मिल्क पाउडर डालने से क्या होगा कि ये थोड़ा सा और क्रीमी बन जाता है इसका स्वाद। मैंने यहाँ मिल्क पाउडर लिया है और डेरी वाइटनर नहीं। अब हमें मिक्सचर को 4 से 5 मिनट या फिर जब तक उसका कलर ना थोड़ा चेंज हो जाए तब तक पकाना है। ये मिठाई बहुत ही आसान है, बस 5 मिनट में ही बन जाती है और इसके लिए हमें कुछ भी नहीं करना है, ना ही घी, ना ऑयल और ना ही कोई एक्स्ट्रा सामान, ना ही चीनी, कुछ भी नहीं चाहिए। बस दो चीज़ें। आप चाहें तो पनीर बाजार से ले सकते हैं या पनीर घर पर ही बना सकते हैं। बस पनीर चाहिए और थोड़ा सा कंडेंस्ड मिल्क। चार से पांच मिनट बाद अब इसका कलर देखिए थोड़ा सा चेंज हो गया है। तो अब इसमें 1/2 टीस्पून के करीब इलायची पाउडर क्रश करके डाल देंगे। आप चाहें तो इलायची पाउडर स्किप भी कर सकते हैं। आप इसकी जगह केवड़ा एसेंस या फिर रोज वाटर एसेंस भी डाल सकते हैं, जो आपको पसंद हो। इलायची पाउडर डालने से लड्डू में एक एक्स्ट्रा फ्लेवर और अच्छा सा स्मेल आ जाता है और लड्डू बहुत ही स्वादिष्ट लगती है। अब हमें मिक्सचर को बस 1 से 2 मिनट और पकाना है और हमारी मिठाई का मिक्सचर तैयार है। एक से दो मिनट बाद अब कर देंगे गैस को बंद और इसे एक प्लेट में निकाल के थोड़ा सा ठंडा होने देंगे। अब मिक्सचर थोड़ा ठंडा हो गया है तो अब इसके लड्डू बना लेते हैं।
है ना ये कितनी आसान सी रेसिपी। आप इसे अपने बच्चों के साथ मिलके भी बना सकते हैं, इससे उन्हें भी मजा आएगा और ये बस दो चीजों से और झटपट बन जाती है और खाने में तो बहुत ही टेस्टी लगती है। और भी आसान सी रेसिपीज के लिए मेरे चैनल को देखते रहें और मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन जरूर दबाएं जिससे कि आपको मेरी नई रेसिपीज की नोटिफिकेशंस मिलती रहे। थैंक यू।